डियर स्टूडेंट्स, आज के 10 टॉपिक्स 10 सब्जेक्ट्स फिर से आ चुके हैं। हालांकि आज के टॉपिक्स थोड़े बड़े हैं, यही कारण है कि इस बार आपको एक नहीं दो दिन दिया जा रहा है, यानी अब 10 टॉपिक्स कल नहीं परसों आएगा। तो एक एक्स्ट्रा दिन के साथ आपको इन टॉपिक्स को करना है। वो लोग जो थोड़े बिजी हैं, जिनको टाइम कम मिलता है, उनको इसमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे कर लेते हैं तो ये मल्टीफोल्ड आपको बेनिफिट देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात यह कि 30 क्वेश्चंस वाले जो सेट आज आने वाले थे वो आज नहीं आ पाएंगे, टाइम काफ़ी निकल चुका है, काफ़ी कंज्यूम भी हो चुका है टाइम, इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट का एपिसोड है वो कल आएगा। तो ये ध्यान रखें। चलिए आज के इस 10 टॉपिक्स को देखते हैं कि इसमें क्या कुछ नया है, चैलेंजिंग है आपके लिए। पहला टॉपिक इस बार हमने एक एंशियंट और एक मॉडर्न हम लोग कर रहे हैं। आज का पहला टॉपिक सिंधु सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बड़ा टॉपिक है तो ये आपका टाइम लेगा, थोड़ा आप टाइम को मैनेज करें। ये क्राउन में 6 नंबर पेज पे और लूसेंट में 3 नंबर पेज पे ही मिल जाएगा, पहला ही टॉपिक चुके हैं, लेकिन इसमें पढ़ना है आपको। दरअसल सिंधु सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये सिंधु सभ्यता किसने खोजा, इसे काल का निर्धारण आप सब पढ़ेंगे, किस तरह से इसका जो डेटिंग है वो किस तरह से किया गया है। इसमें कार्बन डेटिंग विधि, मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या टाइम इसमें टाइम का जो इस इन्होंने जो टाइम बाउंड इन्होंने बांधा है कि सिंधु सभ्यता किस दौरान खोजी गई, किस दौरान विकसित हुई, ये कर लेंगे। और मार्शल व्हीलर और कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण आप जरूर याद रखेंगे। मार्शल ने 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व कहा, जबकि मार्शल ने 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व कहा है। तो ये टाइमिंग है, इसी तरह से कार्बन डेटिंग भी आप करेंगे। सिंधु सभ्यता का काल आपको समझना है, जो सिंधु सभ्यता पूर्व हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन से थे, यानी प्री हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन, तीन कालम विभाजित है, इसे आपको करना है। जैसे कि कोट दीजी, आमरी, ये सब प्री हड़प्पन साइट्स हैं, जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, ये सब हड़प्पन यानी मैच्योर फेज के हैं, पूर्णतः शहरीकृत काल जब हम कहें उस टाइम के हैं, जबकि पोस्ट हड़प्पन यानी बाद के हड़प्पन हैं, जैसे रंगपुर, रोजदी, राखीगढ़ी, ये सब। तो समझ के आप इसे पढ़ें। दूसरी बात यह कि इसकी चौहद्दी को आप पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता को किस किस तरह से कितने पेरिफेरा में यह विकसित था, यानी उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में दायमाबाद और पश्चिम में सूतका गेंडोर, इसे चौहद्दी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यह पूछ देता है, पिछली बार एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिण भाग किस नदी के किनारे स्थित था। अब देखिए, महाराष्ट्र जब पूछा है तो गोदावरी नदी के बारे में वो जानना चाह रहा था शायद। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हड़प्पा के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो और बनवाली, ये 6 बड़े स्थल हैं, इनके बारे में, साथ ही धौलावीरा, रोजदी, रंगपुर, ये सब भी आपको करने हैं। इन सब के खोज करने वाले, जो खोज करता है, उनके नाम आपको जानने हैं। देखिए, पहला हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, तो ये सब 1921 और 1922 में इन दोनों स्थलों की खोज हुई। रावी नदी के किनारे एक है, दूसरा सिंधु नदी के किनारे है, तो नदियों के किनारे आपको जानना है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। इनकी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को आपको समझना है। राजनीतिक स्थिति तो बहुत स्पष्ट नहीं है, इसमें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए, एक हाफ हम कहेंगे सेमी प्रेशस स्टोन था, लाजवर्द मनी, जो बदख्शां अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तो ये सब आपको पढ़ना है कि सोना, टीन, ये सब कहाँ से मंगाया जाता था। तांबा खिचड़ी से तब भी मंगाया जाता था राजस्थान से, और आज भी तांबा खिचड़ी में पाया जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है। उसके बाद हड़प्पा की लिपि आपको समझना है, चित्राक्षम, जो चित्रलेखात्मक लिपि है, जिसे बोस्टोफेडम स्टाइल भी कहते हैं, तो ये सब आप समझें। बाट और माप, तौल और माप किस तरह की थी, 16 और उसके गुणक में, तो इसे समझना है। और अंत में इसका अंत कैसे हुआ, भूकंप से हुआ या बाढ़ से हुआ या विदेशी आक्रमण हुआ, इसे आपको समझना है। तो इस तरह से आपको हड़प्पा सभ्यता करना है। यहां पर देखिए, इसे क्वेश्चंस जो आते हैं, आज हम आपको क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस दरअसल देना ये यूट्यूब के गाइडलाइन के विरुद्ध है। इस तरह से क्वेश्चंस को दिखाना ये सही नहीं माना जाता है, तो इसलिए हम इसे आपको अब क्वेश्चन के सीधे
जो पेजेस हैं वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं चूंकि ये गाइडलाइन के विरुद्ध है। लेकिन देखिए क्वेश्चन हड़प्पा भी जो आया वो था कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा मिला है, यानी मिट्टी, पकी मिट्टी भी जो होती थी उसे टेराकोटा कहते हैं, तो पकी मिट्टी के बना हुआ जो हल्का साक्ष्य ये कहां से मिला है। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जुड़े हुए नहीं थे। अब राखल दास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स, ये सब दे दिया और एक विंसेंट स्मिथ को डाल दिया जो नहीं थे। तो इस तरह से आपको समझना है उस, तो सिंधु सभ्यता हो गया। दूसरा आइए सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में दूसरा टॉपिक सीडी मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 से 34 के बीच चला, इसे आपको समझना है। नमक कानून को भंग करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आपको दरअसल सॉल्ट मूवमेंट पढ़ना है, ये क्राउन में 107 नंबर पेज पे और लूसेंट में 48 नंबर पेज पे है। तो ये आप पढ़ेंगे नमक आंदोलन के आसपास पेजेस पे, उसी के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ना है। इसमें देखिए क्वेश्चन आया था कि दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई, बड़ा आसान क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ के पढ़ना है। तीसरा टॉपिक देखिए हमने ज्योग्राफी से लिया है, तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन, ये क्या है। आप जानते हैं कि पूरा दक्षिणी भाग जो है उसका कोस्टल एरिया जो है समुद्र से लगा हुआ है। दक्षिणी भारत का भाग, पूरब और पश्चिमी जो भाग है ये तटवर्ती मैदान कहलाता है, कोस्टल प्लेन, यानी ओडिशा से लेकर गुजरात तक पूरा ऊपर से नीचे आप घूम जाएं तो ये जो कोस्टल प्लेन है इसे आपको पढ़ना है। उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, उसके बाद मालाबार तट और कोंकण तट। तो इस तरह से आपको कोस्टल रेंज पढ़ना है। तटवर्ती मैदान, मैदान हम उसे कहते हैं जहां इलुवियल प्लेन्स हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी से बिछाए हुए मैदान है, जहाँ अच्छी खेती होती है उसे हम प्लेन्स या मैदान्स के रूप में जानते हैं। तो तटवर्ती क्षेत्र यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, इन नदियों से बने हुए जो प्लेन्स हैं, चूँकि इनके बगल में पठारी क्षेत्र हैं, उनके नीचे ये मैदान्स हैं, तो इन पठारी क्षेत्रों से आने वाली नदियों और बगल के किनारे के समुद्री क्षेत्रों, बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के बीच बने ये तटवर्ती मैदान आपको पढ़ने हैं, जो क्राउन में 182 और लूसेंट में 98 और 99 पेज पे है। ये क्राउन में जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखें हिमालय वगैरह जहाँ पे होगा वहाँ पर हिमालय पढ़ने के बाद, हिमालय टॉपिक के बाद ये तटवर्ती मैदान आपको आएगा, तो इसे आप खोजने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन देखिए आया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कहाँ दोनों मिलते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था नीलगिरी पर्वत। तो इस तरह से आपको इसे घाट भी कहते हैं, तटवर्ती जो मैदान हैं इन्हें दरअसल पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के रूप में हम जानते हैं, तो इसे आप पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का चौथा टॉपिक जो आज है वो है अक्षांश और देशांतर, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड यानी भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बिल्कुल बांट देती है। ये उत्तर और दक्षिण में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिण में जो भूमध्य रेखा के बराबर की रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, उन्हें अक्षांश हम कहते हैं। इनसे दरअसल पृथ्वी पर पोजीशन का पता चलता है, साथ ही इस इन लाइन से यह पता चलता है कि सूर्य की किरणें कितनी सीधी या कितनी टेढ़ी पड़ रही हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच को जोन कहते हैं, यानी कि इक्वेटोरियल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, तो ये सब आपको पढ़ना है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की होती है ये सब समझना है, तो ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद देशांतर आइए, देशांतर मतलब वैसी रेखाएं जो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में बांट देती हैं, इससे हमें किसी स्थान और वहां के समय का पता चलता है। लॉन्गिट्यूड से हमें पोजिशन और टाइम का पता चलता है। ग्रीनविच को हम बेस मानते हैं 0 डिग्री देशांतर, और वहां से पूरे विश्व को हम 24 भागों में हमने बांट दिया है। हर घंटे 24 घंटे का है, यानी कि पूरा विश्व 24 घंटे में बटा हुआ है, और इस तरह से देशांतरों को बांटकर हमने दरअसल दो देशों के बीच समय या किसी देश विशेष का टाइम निकालते हैं। तो देशांतर हमें यह बताता है कि पृथ्वी किस तरह से एक दूसरे के कितनी दूरी पर बटी हुई है पूरब और पश्चिम में, और उसका समय का जो अंतर है, टाइम का डिफरेंस है, वो क्या है। दूसरी बात ये कि देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं, सारी देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं, जबकि सभी अक्षांश रेखाएं बराबर नहीं होती। ये जैसे जैसे ऊपर ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं छोटी होती चली जाती हैं, भूमध्य रेखा पर सबसे लंबी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये सब आपको पढ़ना है। इस पर देखिए क्वेश्चन आया था कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को
किस रूप में विभाजित करती है? बहुत आसान क्वेश्चन था, उसमें था चॉइस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या दो असमान भागों में, तो इस तरह का था, तो उत्तर दक्षिण में बांटती है। आइए प्रकाश संश्लेषण, साइंस में पांचवा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। ये टफ नहीं है, इसमें आपको समझना है कि किस तरह से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, यही तो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। तो फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ना है कि किस तरह से क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्यावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पौधे किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। तो इसे आपको समझना है, किस कलर में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, इसे आपको समझना है। क्राउन में 456 और 57 नंबर पेज पे है, जबकि लूसेंट में 245 नंबर पेज पे। इसमें देखिए क्वेश्चन जो आया था कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल में होता है, हरित लवक में, ये चॉइस था। जबकि दूसरे चॉइसेस थे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ऑक्सीसोम, ये सब चॉइसेस थे। तो इस तरह से आपको बनाना है। साइंस का दूसरा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, यानी गति का नियम। तो इसे आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसे आपको समझना है। इसमें तीनों गति के नियम समझना है, जड़त्व इनर्शिया आपको समझना है, और बल का जो उदाहरण हमें किस गति के नियम से मिलता है, ये सब आपको समझना है। उसके बाद सातवां, आइए इसमें क्वेश्चन आया था बल किसका गुणनफल है, यानी एफ बराबर एम ए, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल होता है। तो ये बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन आप जान लीजिए आसान के साथ कठिन प्रश्न भी आगे देखने को मिलेंगे। पॉलिटी में सात नंबर टॉपिक हमारा है मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हम लोगों ने पिछला टॉपिक नीति निर्देशक तत्व तो किया 36 से 51। अब 51 को में मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब एक और बढ़ गए हैं टोटल, अब फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हो गए हैं। तो आपको पढ़ना है कि किस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रूस से लिया है, सोवियत संघ से, तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इंटरेस्टिंगली बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह से आप बनाएंगे पेज नंबर 250 क्राउन और लूसेंट 163 पे आप करेंगे। और उसके बाद आइए, ये क्वेश्चन इसमें था कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, एक क्वेश्चन बीपीएससी में आया था 48वें से 52वें में। तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसे 1976 में, 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मूल संविधान में यह नहीं था। तो ये आप समझ के पढ़ेंगे। उसके बाद आइए आठवां टॉपिक, ये हमने इकोनॉमी का टॉपिक लिया है सेबी, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी यानी जो शेयर बाजार को रेगुलेट करता है, विनियमन करता है उसका, इसे आपको पढ़ना है। शेयर बाजार टॉपिक में इकोनॉमी में ये मिल जाएगा सेबी, ये 317 नंबर क्राउन में और लूसेंट में 136 और 37 नंबर पेज पे अच्छा दिया हुआ है। नवा टॉपिक आइए, भारत में प्रथम पुरुषों के बारे में। पिछला बार हम लोगों ने भारत में फर्स्ट, यानी पहला मुख्यमंत्री, पहला राज्यपाल, पहला आईपीएस अधिकारी, पहला आईएएस अधिकारी, ये सब आपको जानना चाहिए। कल हम लोगों ने फीमेल कैटेगरी किया था, आज हम लोग करेंगे पुरुष, यानी कि भारत में अलग अलग एरियाज में जो पुरुषों ने पहला राज्यपाल, पहला मुख्यमंत्री, इस तरह से कौन हुए, इसे आपको समझ, पहला अंतरिक्ष में जाने वाले, तो ये सब आपको जानना है। ये 531 और 276 नंबर पेजेस पे कंसेक्यूटिवली आपको मिल जाएंगे। चंपारण, बिहार से हम लोगों ने किया है चंपारण सत्याग्रह, यानी इसे आपको बिहार स्पेशल के बुक में देखना होगा, क्राउन में बिहार का स्पेशल भी क्राउन का आता है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। 94 से 101 नंबर पेज पे ये मिल जाएगा क्राउन के बिहार स्पेशल में। चाहे आपके पास कोई और भी बिहार स्पेशल है, आप उससे पढ़ लें, चंपारण सत्याग्रह आपको पढ़ना है। किस तरह से महात्मा गांधी, देखिए इसका क्वेश्चन जो आया था कि गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया नीलहे किसानों के उत्पीड़न पर, यानी राजकुमार शुक्ल के बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा था, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद आइए 11वां क्वेश्चन, हम लोग कर रहे हैं टॉपिक, 11वां क्वेश्चन नहीं टॉपिक, 11वां टॉपिक जनगणना हम लोग कर रहे हैं, सेंसस रेगुलर। पिछले दिनों हम लोगों ने किया था शहरीकरण भी किया था हम लोगों ने, आज हम लोग करेंगे लिंगानुपात सेक्स रेशियो, यानी कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये आपको समझना है,
केरल में आप जानते हैं कि सेक्स रेशियो मैक्सिमम है, मिनिमम कहाँ है, हरियाणा में है। तो इस तरह से आपको बिहार के कंटेक्स्ट में भी पढ़ना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, बिहार का सेक्स रेशियो कितना है। लिंगानुपात आपको पढ़ना है, क्राउन में 222, लूसेंट में 113 नंबर पेजेस पे मिल जाएंगे। देखिए इसका एक क्वेश्चन जो आया था, वो आया था लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, बनने वाले हैं, लेकिन तब जब आपका रिवीजन हो। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आप ध्यान रखें कि ये टॉपिक्स बड़े हो गए हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, लेकिन इन्हें आपको करना चाहिए। हम लोग इससे करके अंततः एक महीने के बाद देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने इसे इम्प्रूव किया है और कितने टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। इस बार बीपीएससी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है, तो जुट जाना है, लगे रहना है। आज यहीं पर रोकते हैं, कल आपको 30 क्वेश्चंस का एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट आएगा। तब तक आपसे इजाजत लेंगे, अपना ध्यान रखें, लेबर करते रहें, डिस्करेज नहीं होना है। डिस्करेजमेंट होगा फिर एक्यूमुलेट करके फिर से फिनिक्स पक्षी बन जाना है। टेक केयर।